शिवम दो त्यागी दिन में कह रहे थे, क्या एक तरीका साल हो होगा गया अगर गीता भंडारी पर। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि हमें अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना है, वो कैसे होगा? क्योंकि कोलकाता से लेकर हाथरस कांड, हाथरस कांड से लेकर अंकिता भंडारी से लेकर देश भर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जिसके दामन में देखो सब एक ही दिखाई देते हैं। अंजना जी, नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का चप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है, आपका 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 मेरा, करिए वॉट अबाउटरी, वॉट अबाउटरी करिए। मैं बात करूंगा अगर बंगाल की तो वो तुरंत लेकर आ जाएंगे कि कन्नौज, फिर मैं उसके बाद कुछ होगा तो बहन लेकर आ जाएंगे कि दिल्ली, उसके बाद फिर कहेंगे उत्तर प्रदेश, करिए वॉट अबाउटरी। जिस दिन आपके घर में आकर ये स्थितियां बन जाएगी तब समझ में आएगा आपको ये, जब आपके मां बाप इस तरीके से बोलेंगे तब समझ में आएगा आपको ये, वॉट अबाउटरी करिए। लेकिन एक केस को लेकर अगर बात करें, कहते नहीं नहीं वहां भी तो हुआ था, नहीं नहीं ऐसा भी तो हुआ था वैसा भी, अरे जो हुआ है सामने आंखों के भाई, एक बेटी जिसके पैर एक एक तरफ था बिस्तर का और दूसरा दूसरी तरफ, आप उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अ मैन इजैक्युलेट्स 3 to 4 ml सीमन, 150 ml सीमन मिला है उसके इंटरनल पार्ट्स पर, किसकी बात कर रहे हैं भाई, बात करिए ना इसकी। और इन्होंने कहा कि चीफ आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आज बीजेपी स्पोक्सपर्सन हम तो कह रहे हैं कि भाई दीजिए इस्तीफा, दीजिए मत दीजिए इस्तीफा, आप कम से कम ऑन तो कीजिए, जिम्मेदारी तो लीजिए, कहिए तो सही हां जिम्मेदारी है। और आप ये बार बार, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता और रेप राजनीति का विषय है भी नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, आपका जो राहुल जी का 5 दिन बाद बोलना है ना, ये बताता है कि आप उसको लेकर कितना सेंटिमेंट्स में है। अखिलेश यादव का अभी तक एक ट्वीट नहीं है इस विषय पर, बताता है कि वो इस बारे में कितने सेंटिमेंटली जो है इन्वॉल्व है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती हाथरस जाने से, राहुल गांधी क्यों भाई, डीजल पेट्रोल कम पड़ गया क्या अब आपके हवाई जहाज में? आप कहो तो इस देश की महिलाएं भरवा देंगी, चले जाएं एक बार। ट्वीट करने में इनके हाथ पैर टूट रहे और आकर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैं मानता हूं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है। इस देश के प्रधानमंत्री को इस चीज के लिए जाना जाएगा कि चाहे बहुत छोटी सी चीज हो हमारे लिए टॉयलेट और चाहे बहुत बड़ी चीज हो बलात्कार, वो हर चीज पर इस देश के सबसे बड़े मंच से बोलते हैं। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप डिस्कस करने के लिए तैयार हो? क्या आप में इतनी ताकत है कि ममता बनर्जी का नाम तक ट्वीट में लिख दो भाई? दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग और करते हैं बात जंगल के गमले में उगे लोग। हम तो कहते ही नहीं है कि भाई राजनीति करो, पहले जनता दल यूनाइटेड वाले और भाजपा वाले तय कर ले राजनीति करनी है कि नहीं करनी, दोनों साथी हैं। क्या नाम ये कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड वाले राजनीति करनी है, शिवम जी कह रहे हैं नहीं करनी है। हम एक चीज कहते हैं साफ साफ, आज की डेट में इस समय बंगाल पर बात नहीं हो रही, महिलाओं के प्रति अपराध पर बात हो रही है, और महिलाओं के प्रति अगर अपराध पर बात होगी तो पूरे देश की महिलाओं के प्रति अपराध पर बात होगी, खाली बंगाल के अपराध पर या उत्तराखंड के अपराध पर बात नहीं होगी, सब पर बात होगी। क्यों नहीं होगी? आप अंकिता भंडारी को 2 साल हो गए हैं, कम ब्रूटल था, इसका मतलब यह हो गया कि ब्रूटेलिटी की एक सीमा होगी तब जाके भाजपा उस पर कोई बयान देगी? नहीं, ब्रूटेलिटी की एक सीमा होगी तब उत्तराखंड की उस नर्स के ऊपर बात होगी, ब्रूटेलिटी की एक सीमा से पार जाएगा तब जाकर के बिहार की उस बच्ची पर बात होगी, और ब्रूटेलिटी की एक सीमा होगी तो 13 साल की लड़की नवाब यादव ने जिसके साथ गलत काम किया है तब बात होगी जाकर के। जिसको खाली खाली जो है जिसको आप वॉटअबाउटरी कह रहे हैं वो दरअसल आपकी नियत के सामने आईना है। क्या बात करते हैं आप, कह रहे हैं कि इसका केस में वॉटअबाउटरी मत करो, लेकिन नियत तो आपकी आंखेंगे ना, हम तो देखेंगे ना कि आपकी नियत कैसी थी जब अंकिता भंडारी केस हुआ, आपकी नियत कैसी थी जब ना ये लोग अंकिता भंडारी में निर्भया पर चले जाते हैं, वो पता नहीं कौन सा, अरे वो मुझसे एड्रेस कर रहे हैं, आपकी नियत कैसी थी जब उन्नाव का कांड हुआ, आपकी नियत कैसी थी जब महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह, तो वो नियत के सामने आईना है, वो वॉटअबाउटरी नहीं है। मैं हर नियत पर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे देश में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य सरकार में अगर बलात्कार का केस हुआ और वो विषय बना तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री का कोई एक ऐसा मार्च दिखा दीजिए जो निकलकर छोड़कर आ गए हो, कोई ऐसी स्थिति बता दीजिए। नहीं भाई, हम प्लीज बीच में मत बोलिए, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, मैं वॉटअबाउटरी क्यों कह रहा हूं, हर केस इतना ही महत्वपूर्ण है, हर 9 से 10 मिनट में इस देश में एक बलात्कार की घटना होती है, इनका जो इंटेंशन है वो गलत है। अब उठाकर बीच में बाकी सारे केसेस को लाए, लाइए हर रोज बात कीजिए रेप पर, मैं तैयार कर रहे हैं भाई, प्लीज करिए, बंगाल से डिरेल करके उत्तराखंड को हमने आंदोलन किया, हर चीज पर बात कीजिए, रोज कीजिए, कोई पूरा उत्तराखंड आंदोलित हुआ, बिहार आंदोलित हुआ, तैयार है बात करने के लिए, करिए ना, कहां कर रहे हैं? जहां पर मैंने प्रश्न पहला किया था कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है,
और हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि इस केस के आने के बाद इंसाफ होगा, लेकिन कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में रही, प्रिंसिपल को फॉरन रीइंस्टेट कर दिया गया, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ही नहीं लिया कोलकाता पुलिस ने। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस तरह की परिस्थितियों में सवाल तो ये उठता है ना कि आप न्याय चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं, उसको भी छोड़िए, पद यात्रा निकाल रहे हैं जबकि पुलिस आपकी है, अभी भी 1000 लोगों ने हमला कर दिया, हाईकोर्ट कह रहा है कि हॉस्पिटल बंद कर दे, उसके बाद तीसरे पेज पे आइए, वाम और राम ने किया है, तो मजाक चल रहा है ये, वाम और राम ने किया तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वाम कौन है और ये राम कौन है, किसी पार्टी को राम क्यों बना रही है वो, छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, लगभग 19 या 20 केसेस दर्ज किए हैं पिछले 2 साल में सीबीआई ने बंगाल में, और केवल 2 या 1 कन्विक्शन हुए हैं। तो ये सवाल बिल्कुल लाजिम है कि सीबीआई ने जब इस सेप केस को अपने हाथ में लिया है तो वो क्या बीजेपी के इशारे में सिर्फ राजनीति करना चाहती है या न्याय दिलाना चाहती है? वाम राम कहना क्या है, पॉलिटिक्स है या भजन है या उसे पॉलिटिसाइजेशन से रोकना है? एक जेन्युइन, एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें ये कौन लोग हैं जो घुस करके उनको मारपीट करते हैं और प्रोटेस्ट को, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को डिलेजिटिमेट कर देते हैं वहां पे? भाई अगर ममता बनर्जी आज रैली निकाल रही है, ये उनका मांग है कि आप इमीडिएट ट्रायल स्टार्ट करो और फांसी में डालो, आपके पास ऑलरेडी एक अक्यूज्ड है, बाकी अक्यूज्ड को आप जवाब दे ही दो, सीबीआई के हाथ में पिछले 3 दिन से मैटर है, आप बताइए सीबीआई डे टू डे अपडेट दे कि किसको अरेस्ट किया, किसको समन किया, क्या मटेरियल उन्होंने कलेक्ट किया, आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नियत क्या है, आप ठीक से फिर से अंकिता भंडारी के तरह रास्ते में जाना चाहते हैं, आप फिर से उसी रास्ते में जाना चाहते हैं कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? प्रधानमंत्री ने पूछा कि कैसे न्याय दिया जाए, कैसे डर पैदा किया जाए, ममता बनर्जी ने जवाब दिया है कि डर देने का तरीका है फांसी में डालो, एक अल्टीमेटम दो। एक बात के लिए तो मैं दाद देना चाहती हूं, मैं सही हूं तो पेशे से आप वकील ही हैं, एक बात की मैं दाद देना चाहती हूं, इंसाफ में कोलकाता पुलिस ने जो भी किया हो, लेकिन मामले को पलटना कैसे है इसमें आप लोगों ने महारत हासिल की हुई है, गजब, ताली बजनी चाहिए सही में। ये पॉलिटिक्स कहां इंसान को घुमा के पहुंचा देता है ना, मतलब कमाल की चीज है। इनिशियल बॉचिंग, डॉक्टर कह रहा है कि जिस परिस्थिति में मिला है और जिस सीमन की बात हो रही है कि ये गैंग रेप लग रहा है, कुछ कोलकाता पुलिस को नहीं दिखाना बॉडी उस हाल में नहीं, एफआईआर जो लॉज हुआ है ताला पुलिस के स्टेशन में, देखिए सोशल मीडिया में ये बहुत फैलाया गया और अभी भी है कि अननेचुरल डेथ का एक कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, लेकिन जो एफआईआर हुआ वो रेप एंड मर्डर का ही हुआ, 12 घंटा के अंदर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के 12 घंटे के अंदर में अक्यूज को अरेस्ट किया गया एविडेंस के बेसिस पे, 37 हिस्सों में, जैसा कि उसकी माँ बना रही, एक बार जरा सुना देते हैं इनको, फिर से सुनाइए इनको, और ये पूछिए कि कोलकाता पुलिस ने फिर कंप्लेंट अननेचुरल डेथ का लिखने की हिम्मत कैसे की, आप जवाब दीजिएगा, सुनिए इसको। करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा, एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह, एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया,
राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। तौसीफ साहब, तीन प्रश्न है आपसे, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि इसको अननेचुरल डेथ बता के परिवार वालों को सुसाइड बताने वाली पुलिस के खिलाफ ममता बनर्जी ने क्या किया है? दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का यह है कि 4 घंटे में उस संस्था के प्रिंसिपल को रीइंस्टेट क्यों किया गया? और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आंदोलनकारी छात्रों पर इतना बड़ा हमला हो गया, आपकी पुलिस उसको रोकने में नाकाम रही, आपकी पुलिस कर क्या रही है? क्यों गृह मंत्री ममता बनर्जी उनको डिफेंड कर रही है? देखिए अंजना जी, ये जो केस है ये हैवानियत का केस है, और यही वजह है कि इसके डोंट टेल अस सर, आई डोंट वांट टू हियर दिस फ्रॉम यू प्लीज सर आई रिक्वेस्ट आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। मैं बता रही हूँ सर, मत बताइए, ये सब घिसी पिटी बातें ना, हैवानियत, बर्बरता, इसको रखिए आप लोग अपनी जेबों में। ये जिस पुलिस ने ये किया उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने क्या किया, ये बताइए ना। कुछ कोलकाता पुलिस आज कटघरे में उसे कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जो ऑफिसर्स उस वक्त मौजूद थे, बता रहे हैं सर क्या क्या किया जो ऑफिसर्स, नहीं ये तो जो उनके इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों को उन्होंने समन किया, जिनको अरेस्ट किया, वो मैंने बताया। लेकिन जो ऑफिसर्स उस वक्त मौजूद थे कि ये सुसाइड का केस कह करके बुलाया गया, और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज जिन्होंने कंप्लेन नहीं लॉन्च किया, वो सब आज कटघरे में मौजूद है। और उन सब के खिलाफ ममता बनर्जी ने मांग की है कि इन्हें वही सजा दी जाए जो अक्यूज को सजा दी जाएगी। इन्हें इनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करना है, हटाना है, जेल में डालना है। बिल्कुल जेल में डालना है। और ममता बनर्जी ने बोला था कि कोलकाता पुलिस को आप रविवार तक का वक्त दीजिए। हाईकोर्ट ने उन्हें सीबीआई को दिया, कोलकाता पुलिस ने उसकी कोई अपोजिशन नहीं की है। ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ नहीं गई तो कोलकाता पुलिस सारे सबूत मिटा देगी, कोर्ट में जज कह रहे हैं। देखिए अंजना जी, परिवार वालों के सामने पोस्टमार्टम हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुआ। हाथरस की तरह बॉडी को रातों रात तेल जल छिड़क करके जलाया नहीं गया। यह ममता बनर्जी के कोलकाता पुलिस ने यह सारे सबूत रिकॉर्ड करके हैंडओवर किए हैं सीबीआई को। सीबीआई पिछले 4 दिन से क्या कर रही है, वो किन किन लोगों को बुला रही है, कोलकाता पुलिस के किन अफसर के खिलाफ उन्होंने नाम जवाब दीजिए और उन्हें सस्पेंड